अजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दादा बातचीत करने के लिए। अजीत, क्या कुछ पूरी जानकारी निकल कर सामने आ रही है, एक बार डिटेल बताइए। देखिए बिल्कुल अनु, संजीव जीवा बहुत बड़ा अपराधी है। देखिए उसको पेशी के लिए लाया गया था और सिविल कोर्ट के सामने ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि जो अपराधी थे वो अधिवक्ता की यानी वकील की डेस्क में थे, उसमें एक और लोग को गोली, एक बच्ची को गोली लगने की बात सामने आ रही है और वहां से संजीव जीवा को ले जाया गया, हॉस्पिटल ले जाया गया। कहा जा रहा है कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई है, हॉस्पिटल ले जाएगा और एक और अन्य लोगों को गोली लगी है। तो संजीव जीवा काफी बड़ा बदमाश है, मुख्तार अंसारी गैंग का जो है ये बकायदा अपराधी है। तो कई सारे जो केसेज है उसके ऊपर थे और बड़ा नामी गिरामी अपराधी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से लेकर कृष्णानंद राय हत्याकांड से लेकर मुन्ना भजंगी के लिए भी ये हत्या कर चुका है। तो देखिए लगातार संजीव जुआ को लेकर यूपी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। तो आप इस बात से अंदाजा लगाए कि जो लखनऊ का सिविल कोर्ट है यानी जो पुराना हाई कोर्ट है जहां पर अब ये सिविल कोर्ट है, आप देखिए यहां पर पीछे सिविल अस्पताल है, यहां पर चलते हैं और देखिए शायद जो संजीव जीवा है उसको यहीं पर लाया जाएगा जो गोली लगी, क्योंकि सबसे नजदीक का जो हॉस्पिटल है उधर मेडिकल कॉलेज है और लेफ्ट में ये लखनऊ का सिविल अस्पताल है जो गेट आपको दिखाई दे रहा है। तो यहां भी हम तुरंत पहुंच रहे हैं, देखते हैं कि क्या यहीं पर लाया गया है संजीव जीवा को या किसी दूसरे अस्पताल पर ले जाया गया। देखिए पहले मुख्तार का काफी खाप था, मुकीम काला, और देखिए मेराज जो वाराणसी के थे वो चित्रकूट जेल में मुठभेड़ के दौरान मारे गए थे और उसके बाद अब देखिए संजीव जीवा को लेकर पहले कई दिनों से कहा जा रहा था कि संजीव जीवा भी टारगेट पर है अपराधियों के। संजीव जीवा बड़ा गैंगस्टर है, मुख्तार के लिए काम करता था, मुन्ना भजंगी के लिए काम करता था और देखिए सिविल अस्पताल यहाँ जो सिविल हॉस्पिटल है, हालांकि अभी यहाँ कोई जो गाड़ी है वो अभी तक नहीं दिखाई दे रही, लेकिन फिर भी हम एक बार चेक करते हैं क्योंकि अंदर से जो रास्ता है इमरजेंसी का वो इधर की तरफ है। क्या सिविल अस्पताल लाया गया या किसी और हॉस्पिटल ले जाया गया, ये देखने वाली बात होगी क्योंकि सबसे नजदीक अगर कोई हॉस्पिटल है तो सिविल हॉस्पिटल ही है सिविल कोर्ट के पास, क्योंकि यहां से परिवर्तन चौक बहुत ही नजदीक है। हालांकि यहां गाड़ी अभी नहीं दिख रही, यानी अभी पुलिस फोर्स वहां पहुंची, उनको लाया नहीं गया क्योंकि बड़ा अपराधी था संजीव जीवा जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है लखनऊ के जनपद आदर न्यायालय के बाहर। तो देखिए अतीक अशरफ, मुख्तार अंसारी एंड कंपनी यानी एक के बाद एक जो अपराधी हैं वो टारगेट पर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए कई सारी गाड़ियां, लेकिन अभी यहाँ कोई हलचल इमरजेंसी पर नहीं दिख रही है, सिविल अस्पताल की इमरजेंसी है, लेकिन अगर सबसे नजदीक कोई लाया जाएगा तो यहीं पर लाया जाएगा। तो ये देखिए यहाँ की इमरजेंसी, लेकिन अभी यहाँ कोई लेकर पुलिस वाला यहाँ पर नहीं पहुंचा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि संजीव जीवा जो बड़ा अपराधी था, बड़ा गैंगस्टर था। ठीक है अजीत, आप यहाँ से पता करिए, मैं वापस अभी आपके पास लौट रही हूँ। एक बार ये तस्वीर दर्शकों को तब तक दिखा देते हैं। ये देखिए, ये वीडियो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, कोर्ट के बाहर मर्डर को अंजाम दिया गया। संजीव जीवा को लेकर खबर इस तरह की मिल रही है कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन एक बच्ची को भी गोली लगी है, उसकी हालत हालांकि नाजुक बताई जा रही है। ये तस्वीर उसी वक्त की आप देख पा रहे हैं जब यहाँ पर इस वारदात को अंजाम दिया। 2 से 5 तक अपराधी बताए जा रहे हैं, हालांकि 2 को देखा गया और ये भी कहा जा रहा है, जैसा कि कुछ देर पहले नीतीश जानकारी दे रहे थे कि 3 अपराधी और थे। वकील के भेष में वो कोर्ट के बाहर पहुंचे।